अगर शिलाजीत खा लिया तो क्या हो जाएगा? दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि शिलाजीत खाने से शरीर में क्या हो सकता है, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। नमस्कार, आप सभी का चैनल ज्ञानवीड हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शिलाजीत आखिर है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। शिलाजीत एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है जो कि ज्यादातर हिमालय में पाया जाता है और हजारों वर्षों से पौधों और पौधों की सामग्री के विघटन से यह बनता है। शिलाजीत एक काफी गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें लोह पदार्थ काफी मात्रा में पाया जाता है। आज हम जानते हैं कि इसको खाने से क्या क्या हो सकता है, क्या आपको फायदे मिल सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। ज्ञानवीड का यह वीडियो जरूर पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ में प्रेस कर दें। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारा दिमाग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप दोस्तों शिलाजीत का उपयोग करते हैं तो यह आपके दिमाग को तेज करने का काम करता है और काफ़ी हद तक शिलाजीत हमारे दिमाग को तेज करने में सहायक साबित भी हो चुका है। यह हमारी याददाश्त यानी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, साथ में दिमाग को भी पोषित करता है। दूसरा इसका उपचार ये है कि हाई ब्लड प्रेशर से भी यह हमें बचाता है। अगर दोस्तों आप हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो आप शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा यह है कि अगर आप शिलाजीत का उपयोग करते हैं तो आप गठिया रोग से भी राहत पा सकते हैं। गठिया जोड़ों का शत्रु है, जोड़ों के सूजन अकड़न से जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, इसके कारण आप काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं। अगर आप शिलाजीत खाते हैं तो जोड़ों के असहनीय दर्द और सूजन से राहत पा सकते हैं। नंबर फोर, अगर आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आप मधुमेह से भी बच सकते हैं, इसलिए शिलाजीत को मधुमेह का विनाशक भी कहा जाता है। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आप शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फाइव, दोस्तों यह यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी काफी फायदेमंद है। शिलाजीत ऊर्जा एवं शक्ति का दूसरा नाम है। प्राचीन काल से इसका सेवन मुख्य रूप से कमजोरी को दूर भगाने और जवान रहने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों यौन शक्ति को बढ़ाने का भी काम करता है, साथ ही यह यौन विकारों के लिए भी काफी प्रभावकारी है। आइए अब हम जानते हैं कि शिलाजीत के अधिक सेवन करने से या फिर सेवन करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों यूं तो माना जाता है कि शिलाजीत प्रकृति की कोख से जन्मा है, परंतु इसका गलत उपयोग करने से या फिर अधिक मात्रा में उपयोग करने से आपके शरीर को कई तरह की हानि हो सकती है। दोस्तों क्योंकि इसमें आयरन लोहा काफ़ी ज़्यादा होता है तो ऐसे में आपको लोह संबंधित रोग हो सकते हैं, इसलिए यदि इसका आप सेवन करते हैं तो आपकी कई तरह की एलर्जी आपको हो सकती है और गर्भावस्था में इसका सेवन डॉक्टर से पूछकर ही करना है, बाकी नहीं करना है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप शिलाजीत को खा लेते हैं तो क्या होता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्ञानवीड को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।